हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड पढ़े, उसके बाद वर्ड मैंने और भी कुछ टॉपिक पढ़ाए, और उसके अलावा मैंने यहाँ वर्ड प्रॉब्लम बनाना शुरू किया। तो बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं होता है, समीकरण नहीं होता है, तो एक क्वेश्चन बनाना होता है। सबसे बड़ी बात यही है क्वेश्चन समझने के लिए। तो मैंने टोटल कहा था कि आप लोगों को 7 टाइप में टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम को। तो वर्ड प्रॉब्लम को मैंने टाइप में बांट दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको 5 टाइप मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेसन नहीं देखा तो ज़रूर वो लेसन आप देखो, तो मज़ा आ जाएगा आपको, सारा टाइप मैं पढ़ा चुका हूँ। अब 2 टाइप और बच गया है, जिसमें आज हम लोग 6 टाइप पढ़ेंगे, जो कि किस पर बेस्ड होगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पर बेस्ड होगा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे बेस्ड होगा। मैं यहाँ 6 टाइप लिख चुका हूँ बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो बेहतरीन तरीके से मैंने 5 लेसन तैयार कर रखा है, वो आप लेसन नहीं देखो, एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर्स एंड कॉस्ट बेस्ड। तो मैंने 5 टाइप पढ़ा दिया है टाइप बाई टाइप, सब पे मैंने क्वेश्चन भी दिया है, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया है, सबका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप लोग उसको देख लो तो समझ में आ जाएगा। और इस लेसन में हम लोग ज्योमेट्री पे बेस्ड पढ़ेंगे। अब इसको चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, मैं कुछ सीधे आपको क्वेश्चन पे ले आता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये टाइप 6 यहाँ है, ठीक है, इंग्लिश वाले में यह है, और हिंदी वाले बच्चों का भी मैंने रखा है नोट्स, तो आप देख लोगे यहाँ पर है टोटल टाइप 6 में 4 क्वेश्चन, और इधर भी है 2 क्वेश्चन, इधर भी है 4 2 6 क्वेश्चन, इधर 2 क्वेश्चन, इधर 39 और 40। तो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया, 4 2 6 क्वेश्चन हो गया, टोटल 6 क्वेश्चन हो गया। और हिंदी वाले बच्चे देख लो, यहाँ टाइप 6 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 29 to 34, 6 क्वेश्चन इसमें भी है। ये टाइप 4 हो गया, टाइप 6 हो गया, सॉरी, टोटल 6 क्वेश्चन इसमें है। तो देख लो आप लोग, यहाँ टर्म है, मैं हिंदी वाले के बच्चे समझ, चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ लिखा हुआ चक्रीय चतुर्भुज, मैं हिंदी में बता दूंगा, आप लोग पहले स्क्रीन शॉट ले लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो और क्वेश्चन नोट कर लो, कम से कम पहला क्वेश्चन जरूर नोट करो। आप लोग पहले वीडियो पॉज करो, इस हिंदी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को, इस आप लोग नोट करो कॉपी में, इस क्वेश्चन को नोट करो, 29 को नोट कर लो आप लोग। और इंग्लिश वाले बच्चे, मैं भगा रहा हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बाद में घर पे जब मैं 29 सॉल्व कर दूंगा तो उसके सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है 6 क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ हिंदी इंग्लिश से नोट कर लेना, यहाँ मैंने 6 ये 4 क्वेश्चन यहाँ है उसके। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होता है मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, मैं इसके लिए साथ प्लेन पेज पे जाता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो प्लेन पेज देख लो, जैसे कोई भी सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल खींचा जाए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कोई भी हो, उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाम दे दो इसका ABCD, ये साइक्लिक को, कोई भी सर्कल है उसके अंदर कोई भी चतुर्भुज यानी सकली कोई भी क्वाड्रिलेटरल खींचा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं हिंदी में, चतुर्भुज बोलते हैं इसको। तो किसी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज खींचा जाएगा तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनना, कोई भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, या वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल खींचा जाएगा तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में बोलते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज। अब इसका नाम है ABCD। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसका ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, लिख लेना नोट करके, इसको नोट करने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि मैं वहाँ बता दूंगा। तो बस इतना ही इतना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कि इसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। समझ आ गया? चलो मैं आता हूँ अपने पेज पे, चलो आप लोग सॉरी क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोग को, देखो देखो क्वालिटल में एंगल ए दे दिया, साइक्लिक क्वालिटल बोल दिया, चक्री चतुर्भुज बोल दिया, नाम ABCD कुछ भी नाम फिगर बनाओ या नहीं बनाओ चलेगा, एंगल ए दे दिया, एंगल बी दे दिया, एंगल सी दे दिया, एंगल डी दे दिया, अब बोला 4 एंगल्स को निकालो। सिंपल बात है, सब एंगल का हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 होगा, एंगल सम अपोजिट एंगल, एंगल बी एंगल डी को 180 होगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों सॉल्व कर लेंगे, एक सर्वाइव का वैल्यू पुट कर देंगे, देखो कितना ईजी है, एग्जाम में लॉन्ग टाइप में आता है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने सॉल्व कर रखा है आपको, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ सॉल्व सारे एंगल मैंने एक जगह लिख दिया, देखो आप लोग कितना आसान है। चलो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो आप लोग एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी मैंने लिख रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम, दो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल है। अरे फिगर बड़ा होना है इस करके, ओके सॉरी। ओके ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो एक ये ए सी के साम अपोजिट है, तो इसका एंगल का सम 180 होगा। तो मैंने तो यहाँ लिख रखा है एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल सी 180, ओके लिख दिया मैंने। एंगल ए का वैल्यू देखिए 2x + 4 था, देख लो आप लोग यहाँ से, देखो एंगल ए 2x + 4 था, यहाँ पर भी देख लो 2x + 4। सी का 2y + 10, ओके चलो मैं यहाँ लिख रखा है, देखो एंगल ए एंगल सी, ओके आप सबको सॉल्व करो, 2x + 2y 10 एंड 4 14 हो जाएगा, 14 को उठा कर ले जाओ, 4 -14 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, इस बार 66 है, 2 को डिवाइड डाल दो, कितना हो जाएगा, कर दो कैंसिल करो, ओके तो 183 हो जाएगा, सॉरी 83 हो जाएगा, ओके 2 से कट जाएगा, तो 2 8 16 एंड 2 3 6 18 हो गया। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एंगल बी प्लस एंगल डी निकाल लो, तो एंगल बी बी और डी देखो वाई प्लस 3 है, बी एंगल बी वाई प्लस 3 है, डी 4x - 5 है, पुट कर दो वहाँ पे, एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ओके देखो आप लोग बी प्लस डी 180, अब यहाँ से वाई प्लस 3 है, वाई 4x, मैंने ब्रेक में रखना ये अच्छा रहेगा गलती में, तो 4x + y, पहले x हमेशा पहले लिखा जाता है, ओके -5 + 3 -2 होगा, -2 डाल दिया +2 हो जाएगा, ओके तो 4y + 182 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 2 हो गया, तो उनको सॉल्व कर दो, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए। देखो इधर देखो एक क्वेश्चन 1 था, x + y = 83, 4x + y = 182, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि y ये y यहाँ पे, ओके तो y y कैंसिल, x पे 4x - 3x ये कैंसिल कर दो, 90 - 99 हो जाएगा, -3 डिवाइड में ले जाओ 33 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू निकाल लो। चलो एक क्वेश्चन 1 में रख करके y का वैल्यू मैंने निकाल दिया, 33 हो गया, था y वैल्यू 50 हो गया। अब एंगल ए में पुट कर दो वैल्यू, बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखो मैंने सब में पुट कर दिया, एंगल ए 2x + 4 डिग्री था, एक्स का 33 है, 33 2 60 66 में 4 जोड़ दो 70 डिग्री, एंगल ए निकल गया। एंगल भी निकाल दो, तो वाई प्लस वाई का वैल्यू 50 था, 53 डिग्री, मुझे जो क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन में पुट कर दिया मैंने, ओके देखो तो एंगल सी प्लस एंगल डी रख दो आप लोग, 2y + 10 तब 50 2 100 100 110 4 33 4 हो जाएगा आपको 132 में 5 127 डिग्री। अब देखो क्या हुआ, आप जो वैल्यू निकाले हो देखो एंगल, देखो गौर से मैंने क्या बोला, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए था, देखो ए का वैल्यू कितना निकला 70, तो बी सी का 110 110, तो सिंपल बात दोनों ऐड करके 180 पुट रहा है, 180 आई 53 या 127 बी एंड डी में, ये भी 180 पुट रहा है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ओके तो ये समझ में आ गया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 आप लोग खुद से बना लोगे, देख लो 36 देख लो, आंसर भी मिला लेना, आंसर भी दिया हुआ 36 एकदम सेम है, कुछ भी नहीं करना है, आंसर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, ओके 36 देख लो आप लोग यहाँ सेम क्वेश्चन है, हिंदी वाले बच्चों को 29 38 सेम होगा। चलो आप 37 पे आ जाओ, 37 देख लो, 37 में देखो ट्राइंगल बोल दिया, ट्राइंगल है, 38 भी ट्राइंगल है, तो देख लो बहुत बहुत ईजी मैं समझा दे रहा हूँ, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी एंगल ए 2 * एंगल ए + एंगल बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो देखो हम क्या करें, हमें क्या करूँगा, एंगल ए को एंगल बी को एक्स मान लूँगा, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, और तो एंगल ए एंगल बी एक्स हो जाएगा, एक्स एंगल ए एंगल ए को एक्स डिग्री और एंगल बी को वाई डिग्री एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, तो एंगल ए एक्स है, ये वाई, तो 2 + y, तो यहाँ से इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे, तो दो एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ओके जो बच्चे हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वाला बच्चा भी देख लेना, ओके सेम क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। चलो ये है पेज आपका, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो ओके ध्यान दो आप लोग, ये मैं जो जो दिया हुआ था मैंने यहाँ नोट कर लिया, नोट कर लिया, एंगल ए को लेट कर लिया एक्स डिग्री, एंगल बी को वाई डिग्री मान लिया, मैंने मान लिया एक्स वाई, ओके चलो अब एंगल सी क्या दिया हुआ, एंगल सी दिया हुआ है 3 एंगल बी, 3 एंगल बी के बराबर कर दिया, बी को मैंने वाई मान लिया, तो 3 y डिग्री हो जाएगा, तो एंगल सी भी निकल गया, एंगल ए भी निकल गया, एंगल बी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, मैंने 180 लिख दिया यहाँ पे, ओके चलो तो एंगल ए एक्स, एंगल ए बी वाई, सी का वैल्यू 3 y मैंने रख दिया, अब सॉल्व कर दो इसको, एक क्वेश्चन बना दो, x 3 4 y हो जाएगा, एक क्वेश्चन 1 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ से, ये मैंने क्या किया कि एंगल सी को इसके इक्वल कर दिया, ओके या आप इसको इसके इक्वल कर सकते हो, जो मन करे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके आंसर एक और एक क्वेश्चन बनाना मुझे, तो देखो यहाँ मैंने कर दिया, तो एंगल सी को मैंने कर दिया 2 एंगल a + b, तो ए का वैल्यू एक्स था, वाई का वैल्यू, और सी का 3 y था, अब उठा लाओ 3 y सब उठा लाओ, तो 2 y इधर -y 2x - 2x, तो देखो आप लोग यहाँ से कुछ नहीं, कैलकुलेशन है सिर्फ, सिंपल कैलकुलेशन है, ओके तो देखो आप लोग, तो 3 y -2x पहले लिख दिया, 3 y में 1 y गया, तो +2 y, क्वेश्चन 2 हो गया, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो,
देखो दोनों क्वेश्चन में क्या, इस एक क्वेश्चन में देखो एक्स प्लस फोर वाई आया, इस एक क्वेश्चन में देखो आपका क्या है माइनस टू प्लस वाई आया, तो फोर वाई आया ये माइनस टू, टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक्स वाला इक्वल हो जाएगा, इसमें मैं टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कि माइनस एक्स बराबर बराबर ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई करो उसमें, तो एक्स टू एक्स प्लस फोर एट वाई, ये 18 दुना 36 यानी एटीन टू 36 मल्टीप्लाई कर दो 360 हो जाएगा, ये कैंसिल, 8y 1 by 9y 360 by 9, ये 9 4 40 वाई का वैल्यू निकल गया। अब एक क्वेश्चन वन में रख के एक्स का वैल्यू निकाल लो, एक क्वेश्चन वन था एक्स प्लस फोर वाई, तो फोर वाई वाई का वैल्यू 40 180 के इक्वल था 60 कर दो, वन एक्स का वैल्यू 20 निकल गया, तो एंगल ए भी निकल गया, एंगल बी भी निकल गया, एंगल सी भी निकाल लो, क्या एंगल निकालना था बोला तीन एंगल निकालो, एंगल सी था 3y तो 120, तो तीनों को ऐड करके देखो चेक करो तो आंसर आ सेम आएगा 180 120 40 20 जो 160 हो जाएगा ऐड करके, चेक हो गया। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 37 36 तो मैंने पीछे किया था, 36 था ये नहीं 36 तो सेम 35 के जैसा, इसलिए मैंने 36 नहीं सॉल्व किया, 37 ही है, ठीक है, चलो 37 आ जाओ पेज पे, आ जाओ इस पर आप लोग बुक पे आ जाओ। हाँ मैंने यहाँ पे देखो 35 मैंने कर दिया, 36 आप लोगों को खुद से करना है, क्वालिटर साइक्लिक क्वालिटर वाला है, 37 मैं कर दिया हूँ अभी, 38 भी खुद से ट्राई कर सकते हो, एंगल ए भी दिया हुआ है, एंगल बी भी दिया हुआ है, एंगल सी भी दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ था, तीनों एंगल का सम 180 होगा तो उससे एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है दोनों को सॉल्व कर लो, अब बोला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जब एंगल एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया, 38 को भी सॉल्व कर दिया, आप लोग देख लो, देखो 38 देख लो आप लोग, 38 मैंने कहाँ सॉल्व किया, 38 यहाँ है, ठीक है, सॉरी देखो 38 मैंने सॉल्व कर दिया, कर रखा है, देखो 38 है तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी दिया हुआ था, तीनों एंगल का सम करके 180 करके एक क्वेश्चन निकाल दिया मैंने, और एक एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 38 में, तो यहाँ सॉल्व कर दो, अब यहाँ तीन से वाई में मैंने तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक क्वेश्चन वन एक क्वेश्चन वन एक क्वेश्चन टू हो गया, तो वाई में थ्री से मल्टीप्लाई कर दो थी 3y हो जाएगा, 3y सेम हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई तीन चौका 12 3 4 12 3y 18 3 54 मैंने कि 540 मल्टीप्लाई कर दो, अब इसमें सॉल्व कर दो, हो गया तो 3 by 3 कैंसिल, 12 में 5 17 ऐड हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट की घटाए हैं, जब भी साइन से बढ़ेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, 510 उसके बाद 17 51 एक्स का 30 हो गया, ओके बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब एंगल एक्स का 30 एंगल बी क्या था, एंगल बी 33x था, हमको एंगल ए एंगल सी नहीं चाहिए, हम पूरा एंगल ही निकालना है, बोला प्रूफ करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो सिंपल सा बात है, एक्स का 30 आया है, इसमें 33 से कितना होगा 90 डिग्री प्रूफ हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं, 90 डिग्री हो गया था, इससे राइट एंगल, एंगल ए सी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, समझ में आ गया, तो ये भी हो गया आपका, 38 भी हो गया। अब चलो 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन, 39 समझ लो सब बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39, ओके इस पेज पर होगा, हाँ आ जाओ 39 देख लो आप, चलो 39 देख लो आप लोग, ओके 39 देखो यहाँ पे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन, रेक्टेंगल किसका है, जैसे ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये क्वालिटल होता है 90, सब एंगल 90 डिग्री है ना, इसका ये लंबाई लेंथ है, ये ब्रेथ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, ओके रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई, एक्स अगर लेंथ है एरिया, ब्रेथ जो है वाई है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है उसका एरिया, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये आयत है, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई लेंथ इनटू विड्थ उसका एरिया होता है, ठीक है, तो बोला द एरिया, ध्यान देना अच्छा से, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 8 meter square व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 meter एंड इट्स विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 meter, बोला उसका लंबाई को अगर 5 बढ़ाया जाए, लंबाई को 5, लंबाई मान लो एक्स मान लेना, लंबाई को लेंथ को 5 बढ़ाया जाए और चौड़ाई को उल्टा हो गया, सॉरी गलती बोल, लंबाई को 5 घटाया जाए, रिड्यूस बोल रहा है, और उसके बाद चौड़ाई को 3 बोलना है इंक्रीज करने के लिए, जोड़ दो तो ये एरिया हो गया, लेंथ होगा, विड्थ होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू बोल रहा है कि एरिया उसका जो है 8 घट जाता है, तो एरिया क्या था, एक्स वाई लंबाई को चौड़ाई 8 घटा दो, हो गया, यहाँ सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन निकाल लो, समझ आ गया अच्छा सर। दूसरा बोल रहा है इफ बी इंक्रीज बाय लेंथ 3 meter एंड विड्थ बाय 2 meter, अगर लेंथ को भी 3 बढ़ाया जाए और विड्थ को भी 2 बढ़ाया जाए तो एरिया बोल रहा है कि बढ़ जाता है 74, तो एरिया से एक्स वाई था, एक्स वाई क्यों, लेंथ इंटू विड्थ था, 74 ऐड कर दो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन कर लो सॉल्व कर लो, हो गया ऐसे ही क्वेश्चन 40 है, 39 बता दूंगा तो 40 बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है, तो मैं दोनों सॉल्व कर रखा हूँ वहाँ पे, देखो देखो मैंने यहाँ लेंथ लिख रखा है, देखो यहाँ पे देखो आप लोग
39 क्वेश्चन है। लेंथ एक्स हो गया, विड्थ वाई हो गया, फिगर में बना रखा है। लेंथ एक्स मीटर, विड्थ वाई मीटर, एरिया हो गया एक्स वाई, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ फॉर्मूला होता है। ओके चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन सुनो क्या बोला था, कि उसके लेंथ को 5 रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए, लंबाई को 5 घटाया जाए और चौड़ाई को 3 बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। तो घटा दिया, एरिया में मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एरिया बोला 8 घट जाता था, 8 घटा दो। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को वाई से, एक्स को 3 से, 5 को वाई से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। मैंने लिख दिया एक्स वाई इधर भी, एक्स वाई इधर कट जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा, थ्री एक्स फाइव बाई माइनस 15 उठा लिया, प्लस 15 हो जाएगा उसका, थ्री एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिर दूसरा में बोला था कि उसके लंबाई को 3 बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 2 बढ़ाया जाए, लेंथ को 3 इंक्रीज़ किया जाए, विड्थ को 2 इंक्रीज़ किया जाता है, एरिया 74 बढ़ जाता है। कर लो तो एक्स वाई, एक्स टू, टू एक्स, थ्री वाई, थ्री टू जो 6 कर दो यहाँ। अब बताओ एक्स वाई इधर कट गया तो 2 प्लस 3 6 उठा ले जाओ, उधर ले जाओ 74 माइनस 6 हो जाएगा तो ये 68 हो गया। क्वेश्चन टू हो गया, दोनों को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू को सॉल्व कर लो, ये 3x 5 है, 3 वाई 2, तो 3 से उधर 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक क्वेश्चन वन में 3 से, एक क्वेश्चन टू में 5 से क्रॉस करते हैं, 3 वाला को वहाँ, 5 वाला को यहाँ, ठीक है। तो करो ऊपर में 3 3 जो 9, 3 5 से ये 5 है, 3 5 से 15 है, 3 7 जो 21, अब 5 से कर दो, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, 68 4 जो 5 जो 340, 68 का आधा 34, 340 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से करना होगा तो 68 का आधा 34, 340 शॉर्ट टिक है ये, ठीक है। शॉर्ट टिक 5 से कभी मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ कर दो, और जीरो लगा दो, ठीक है। चलो तो ये 15 बाई 15 कैसे 19x हो गया, ये ऐड कर दो 361, 19 से डिवाइड कर दो, 19 जो कट जाएगा, 19 का स्क्वायर 361 होता है। एक्स का 19 आ गया, वाई का निकालो, एक क्वेश्चन क्या था पहला, एक क्वेश्चन था आपका 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5y मैंने रख दिया यहाँ पर, दो 3x का 19, 5y माइनस 57, 57 रख दिया माइनस 50, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 50 10 वाई 5 10 50 कट गया, वाई का 10 आ गया, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो 19 10 आ गया, लेंथ विड्थ निकालना था। ओके चलो हो गया, लेंथ विड्थ नहीं, लास्ट में लिखना, हेंस लेंथ इज 19 मीटर एंड विड्थ इज 10 मीटर। ओके बहुत आसान है, चलो मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया, शायद लिख दिया, लास्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ लिख दिया, लेंथ इज 19 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर, अतः लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। ये लाइन लिखना जरूरी है, एक नंबर मिलेगा, नहीं तो वो बोर्ड में इस स्टेप पर एक नंबर कट जाता है, ठीक है, ये इस बात को याद रखना आप लोग। चलो ये हो गया, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, 39 भी हो गया, 40 आप लोग खुद सॉल्व करना बहुत ईजी है। चलो टाइप 7 पे आया था, ठीक है, टाइप 7 भी आप लोग समझ लो, टाइप 7 को हम लोग नेक्स्ट लेसन में करते हैं, इस लेसन में आप लोग टाइप 6 करो। ओके तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय।